हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवीज क्रिएशन। आज मैं 36 इंच ब्लाउज के बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ब्लाउज के लेंथ ले ली हूँ 15 इंच, 14 इंच तैयार है तो 1 इंच प्लस करके 15 ले लूँ। 36 का चौथा भाग है 9 इंच और डेढ़ प्लस की हूँ तो हो गया 10.5 इंच। शोल्डर 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच ले ली हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक कटिंग के लिए मैं पेपर पेस्टिंग ले ली हूँ और पेपर पेस्टिंग को ऐसे फोल्ड करके पिन अटैच कर ली हूँ। तो नेक विड्थ ली हूँ 4 इंच, 4 इंच, और नेक लेंथ मैं लूँगी पहले बोट नेक का जो शेप दूंगी उसके लिए मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। निशान लगा के चौकोन बॉक्स बना लूँगी और ऊपर से शेप दे दूँगी, ऐसे ऊपर से शेप दे दूँगी बोट नेक का। उसके बाद नीचे से जितना आपको लेंथ रखना है, जैसे मैं इधर 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और उसका आधा में भी निशान लगा लूँगी। आपको 7 रखना है, 8 रखना है, आप अपने हिसाब से लेंथ को कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद ऐसे आधा करके ऐसे बर्फी शेप दे दूँगी और नीचे से मैं प्लेन लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। नीचे का कटिंग नहीं करना है, जो बाहर आउटलाइन दे रही हूँ इसी के ऊपर से कटिंग करना है। ये देखिए, अब बाहर आउटलाइन को मैं कटिंग कर लूँगी, उसके बाद अंदर का आउटलाइन को जो ड्रॉ की हूँ डिज़ाइन उसको कटिंग करूँगी। नीचे से कट होगा तो मैं पहले स्टिच कर लूँगी उसके बाद कट करूँगी। और ये जो जॉइंट के जगह है बोट नेक के साथ, ये भी मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, स्टिचिंग के बाद ही कटिंग करूँगी। ये देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह बनेगा। और नीचे को जो ये देखिए लाइन को मैं और डीप कर देती हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर मेन अस्तर कपड़े के ऊपर इसको प्रेस करके अब साइड के जो कपड़ा बचा के रखी हो आधा इंच जैसा, इसको फोल्ड कर लूँगी चारों तरफ से। और जैसे कोना है या तो गोलाई शेप है उधर छोटा छोटा कट लगा देना और फिर फोल्ड करने में सुविधा होता है। इससे ऐसे धीरे धीरे करके चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, अब इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। तो ये नेक का जो डिज़ाइन है ये मेरा रेडी हो गया है। अब चलिए मैं बैक पार्ट को रेडी करती हूँ। तो इसके लिए मेन फैब्रिक ले ली हूँ और ये अस्तर कपड़ा है, एक दूसरे के ऊपर रखना है और स्टिच कर लूँगी। स्टिच करके चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी और इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। नीचे साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग नहीं करना है, इसको बाद में फोल्ड कर दूँगी। अब इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेना है बैक पार्ट का। अब इससे मैं स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी और दोनों का सेंटर मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है और पिन अटैच कर दूंगी और उसके बाद स्टिच करूंगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे स्टिच करना है, ऐसे धीरे धीरे करके स्टिच करते जाना है। और ये जो कोना है ये देख के स्टिच करना, इसको बाद में कट करना है। और ये इधर आके फिर ये जो लाइन खींचे है लाइन के दोनों तरफ से स्टिचिंग होगा और उसके बाद वही जो सीधा लाइन है उसके ऊपर से मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए लाइन के ऊपर से स्टिच नहीं करूँगी, लाइन के दोनों तरफ से स्टिच करना है। ऐसे करके मेरा स्टिचिंग हो गया। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं बीच में से कट कर दूँगी, ठीक है। एक पैर के मार्जिन जैसा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कटिंग कर दूँगी। अब नीचे का जो स्ट्रेट लाइन खींची हूँ इसी के स्ट्रेट लाइन के ऊपर से मैं कट लगाऊंगी और पूरा कट कर दूंगी, दो पट अलग कर लूँगी कट लगा के। अब छोटा छोटा कट लगा दूंगी ताकि आसानी से बैक साइड में फोल्ड हो जाए। ये देखिए, सबसे पहले ये कोना को निकाल लेना है अच्छे से, और पूरा कोना निकालना चाहिए तभी डिज़ाइन अच्छे से बनेगा। ऐसे धीरे धीरे करके निकाल लेना है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन लोग मेरे चैनल पर आज नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए इस तरह के नया नया डिज़ाइन देखने के लिए। तो अब ये नेक के चारों तरफ से मैं स्टिच कर लूँगी, जो डिज़ाइन दी हूँ उसी के ऊपर से मैं स्टिचिंग करूँगी और फिर करके आगे आप लोग को दिखाती हूँ। दोनों पार्ट को ऐसे ही तैयार कर लूँगी
और नीचे तक पूरा स्टिच करना है। ये देखिए, अब ये बीच में मैं एक कपड़ा अटैच करूँगी, तो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसको पहले सीधा ऐसे कर लूँगी स्टिच, और उसके बाद इसको रखते हुए किनारे से स्टिच करूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट लगा दूँगी। अब ये दो एक पार्ट को रखना है, तो जिस तरह आप पोटली बटन रखेंगे दूसरे तरफ से स्टिच करेंगे पहले, और उसके बाद पोटली बटन के साथ बाकी के स्टिच करेंगे। ये पोटली बटन बनाने के लिए मैं चौकोन पीस ले ली हूँ, अब इसको ऐसे घुमा के बटन बना लूँगी, और इसके लिए मैं थर्मोकोल की बॉल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो रुई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, एक छोटा एक बड़ा हो जाता है, इससे अच्छा ये थर्मोकोल के बॉल सबसे बेस्ट रहता है। अब रखना है, और इसके नीचे मैं पोटली बटन को रखूँगी, एक के बाद एक रखती जाऊंगी और स्टिच करती जाऊंगी। आप इससे ज़्यादा भी गैप रख सकते हैं और पास पास में भी रख के स्टिच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह के डिज़ाइन पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके मेरा हो गया है अटैच करना। ऊपर से मैं लेस अटैच करूँगी। मैं इधर जो पोटली बटन यूज़ की हूँ, जो कलर यूज़ की हूँ उसी कलर का मैं लेस इसके ऊपर से अटैच करूँगी। ठीक है, ये देखिए ऐसे लेस को अटैच करना है। ऐसे धीरे धीरे करके लेस अटैच करते जाना है। ये नीचे तक आके लेस को कटिंग कर दूंगी। अब इधर से जहाँ से पोटली बटन लगाना चालू की थी, वही उधर ही से ये दूसरे तरफ का लेस अटैच कर लूँगी। नीचे से लेस अटैच नहीं करूँगी। ठीक है, ये हो गया है। अब ऊपर से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। आप लोग इधर एक बटन भी यूज़ कर सकते, लेकिन मैं इधर कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको सिंपल रखी हूँ। अब आखिरी में दोनों तरफ मैं टक्स लगा लूँगी, सेंटर पॉइंट से 4.5 इंच के गैप में, 4 इंच के लंबाई में दोनों तरफ मैं टक्स लगा लूँगी। कोई कोई डिज़ाइन में ऐसा होता है कि आखिरी में ही टक्स लगाना सही रहता है। और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा के रखी थी, इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी और बाद में इसमें तुरपाई करूंगी। ठीक है, ये चलिए स्टिचिंग हो गया है और डिज़ाइन भी बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आज फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नया डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।